Hi guys, welcome back. This is Nishat and you're watching channel Nutrition 7. First of all, subscribe kare, share kare so that sabko benefit ho. Ring the bell and aapko regular updates aate rahenge apne aap hi. Notifications aa jayengi. Aaj ka topic bahut hi common topic hai aur wo ye hai about myths of side effects from whey protein. I think unless myths maine suni hai whey protein ke bare mein itne side effects hote hain ki aap soch nahi sakte. Maine suna hai kidney ka, maine suna hai liver ka, maine suna hai hair fall, maine suna hai hormone imbalance, etc, etc. Limit hi nahi hai koi. So I am just going to tell you ki agar wo myth hai wo kis wajah se isse relate kari gayi hai aur kya wo sach hai ya nahi hai, wo myth hai ya fact hai. So keep watching. Pehli query, uric acid. Guys, most of the log uric acid ka nahi pata, lekin haan doctor kehta hai aap protein se uric acid hota hai to protein chhodna hai. मैं आपको यूरिक एसिड के बारे में पहले ओवरव्यू दे दूं. यूरिक एसिड इज द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म. मतलब जो प्यूरिन्स होते हैं, प्यूरिन से कंटेंट होता है जो काफ़ी हाई प्रोटीन चीज़ों में मिलता है. प्यूरिन को जब ब्रेक डाउन करा जाता है तो जो लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट होता है जो किडनी बाहर फेंकती है वो है यूरिक एसिड. तो हमने काफ़ी सारे मिथ सुने हैं कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है अगर आप वे प्रोटीन लेते हैं जिससे किडनी खराब हो सकती है. देयर इज़ नो कनेक्शन एंड आई एम गोइंग टू टेल यू वाई देयर इज़ नो कनेक्शन. दो बहुत ही मेन चीज़ होती हैं यूरिक एसिड की क्रिएशन में. नंबर वन शुगर, नंबर टू प्यूरिन्स. प्यूरिन्स कहाँ मिलते हैं आपको पता है? प्यूरिन्स सबसे ज़्यादा होते हैं वेज प्रोटीन जिन जिन चीज़ों के अंदर होता है उन फूड सोर्स के अंदर. दाल, ब्रोकली, योर लेग्यूम्स, और यू कैन इवन फाइंड इन मशरूम, किशमिश, दे आर फुल ऑफ प्यूरिन्स. सो एंड उसके अलावा जो आपका फ्रक्टोज होता है ये शुगर्स होती हैं. आपका हनी जो होता है इट इज़ वेरी हाई इन फ्रक्टोज. इट इंक्रीजेज योर यूरिक एसिड प्रोडक्शन. और भी चीज़ें, और भी फ्रूट्स हैं जैसे मैंगो हो गए, ग्रेप्स हो गए, या आपका मेलन हो गया, जितने हाई फ्रक्टोज वाले फ्रूट्स हैं. दिस इज़ द रीज़न मैं हमेशा मना करता हूँ ये बहुत ज़्यादा मीठे फ्रूट से दूर रहना चाहिए. वाई? बिकॉज वो आपके यूरिक एसिड का प्रोडक्शन और तेज़ कर देती हैं. शुगर इज़ अ कैटलिस्ट, वो उस प्रोसेस को और तेज़ कर देता है. तो अभी 1 to 10 के स्केल पे 5 की स्पीड से हो रहा है, वो उसे 7 कर देगा. तो अगर आपको ये ध्यान रखना है कि इफ़ यू वॉन्ट लेस यूरिक एसिड और आप प्यूरिन वाला खाना खा भी रहे हैं तो शुगर से तो बिल्कुल दूर रहें. अब आगे प्यूरिन की बारी. प्यूरिन क्या होता है बेसिकली? प्यूरिन इज सॉर्ट ऑफ प्रोटीन, नॉट एग्जैक्टली प्रोटीन, जो प्रोटीन हाई प्रोटीन फूड में मिलता है. तो अगर किसी को यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होती है, ये गाउट होती है, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप दाल, राजमा, ये सब छोड़ दीजिए, और एंड में कह देते हैं आप प्रोटीन भी छोड़ दीजिए. सर, वे प्रोटीन कम्स फ्रॉम मिल्क एंड मिल्क इज वर्चुअली ऑलमोस्ट प्यूरिन फ्री. यानी कि दूध के अंदर प्यूरिन नहीं होता, तो इसलिए वे प्रोटीन्स के अंदर भी प्यूरिन का लेवल निग्लेजिबल होता है. अब आप ये चीज़ नोट कर लीजिए और साइंस के हिसाब से चलिए प्लीज़. किसी डॉक्टर ने कह दिया, डॉक्टर इज नॉट अ न्यूट्रिशनिस्ट, आई कैन चैलेंज हिम ओवर दिस. एक डॉक्टर पूरी वर्ल्ड का ला दीजिए जो एक स्टडी प्रेजेंट कर दे कि जो यूरिक एसिड है वो वे प्रोटीन लेने से इंक्रीज हो गया. उससे पहले ना ऐसी इतनी चीज़ें आ जाएंगी जो आप छोड़ ही नहीं पाएंगे. दारू, फ्रूट्स, योर हाई प्यूरिन वेजिटेबल्स, छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे ना, वे प्रोटीन के नंबर बहुत पीछे है. तो अगर कोई आपको कह रहा है कि यूरिक एसिड बढ़ रहा है, आपकी किडनी पे प्रेशर पड़ रहा है वे प्रोटीन से, उस बंदे से अपनी दोस्ती तोड़ दीजिए. उसको कोई नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आके दो उल्टे शब्द बोलेगा. एंड 99.9% वो बंदा होगा जो जिम भी नहीं जा रहा. वाई? बिकॉज हमारे देश में आदत है लोगों को उल्टी सीधी एडवाइस देने की. सेकेंड, किडनी स्टोन्स. गाइस, किडनी स्टोन्स जो है ना वो हेरिडिटी भी होते हैं, नंबर वन. दूसरा, किडनी स्टोन्स बनने का एक मेन रीज़न होता है जब आप कोई बीज वाला खाना खाते हैं जिसमें सीड्स होते हैं. बीज यानी कि सीड्स वाला खाना खाते हैं जिसके अंदर आपका टोमेटो आ सकता है, गुआवा आ सकता है, ब्रिंजल आ सकता है. सो एनीथिंग विच कंटेन्स सीड्स कैन इंक्रीज द चांसेस ऑफ यू हैविंग अ स्टोन. या फिर जो स्टोन बनता है वो क्रिस्टल से बनता है. क्रिस्टल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं किडनी के अंदर. वो क्रिस्टल किस चीज़ से आते हैं? बहुत सारे रीजंस हैं. ऐसी कोई स्टडी नहीं रही. अभी मैंने वैसे बता दिया कि यूरिक एसिड और प्रोटीन का कोई भी साथ में वही नहीं है, कनेक्शन नहीं है ज़्यादा. सेम वे प्रोटीन का कोई कनेक्शन नहीं है किडनी स्टोन से डायरेक्ट. हाँ, कोई अगर आपके जेनेटिक्स के अंदर है और आप कहें कि वे प्रोटीन लेने से मुझे हो गए, तो मैं आपको कहूँगा आपको टेंडेंसी ऑलरेडी थी और वो ऑलरेडी फॉर्मेशन शुरू हो गई थी. फॉर सम रीज़न आपने वे प्रोटीन लिया और आपकी नज़र में आ गई वो चीज़. अदरवाइज आप कहें वे प्रोटीन से स्टोन्स होते हैं, अगेन नो स्टडी एट ऑल, दिस इज़ अ बेसलेस क्लेम. थर्ड आता है सबसे फनी कि टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है. मैं समझ ही नहीं पाता सर,
अगर वे प्रोटीन से टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है ना, तो दूध से भी होना चाहिए आपको। आई डोंट नो ये कहाँ से मिथ आती हैं, बट मेरी समझ तक जो एक मेन चीज़ है जिसकी वजह से ऐसी उल्टी सीधी बातें आई हैं, ये हैं कि जो लोग स्टेरॉयड लेते हैं ना, जब स्टेरॉयड्स का साइड इफेक्ट होता है उन्हें, उनके घर वालों को पता लगता है, तो वो ये नहीं बताते मैंने स्टेरॉयड लिया था, वो अपना बॉक्स दिखा देंगे, हम वे प्रोटीन ले रहे थे, वे प्रोटीन से मुझे ये साइड इफेक्ट हुआ। गाइज, वे प्रोटीन का हार्मोन से कोई रिलेशन नहीं है। अ गुड डाइट कंटेन्स वे प्रोटीन या एनी अदर फॉर्म ऑफ प्रोटीन। गाइज, वे प्रोटीन का हार्मोन से कोई रिलेशन ही नहीं है। एक गुड डाइट के अंदर प्रोटीन इज अ वेरी इसेंशियल पार्ट। प्रोटीन इज नोन कि वो हार्मोन्स को बैलेंस रखेगा, लॉन्ग टर्म में मसल टोनिंग रखेगा, मसल टोनिंग रहेगी तो वाइस वर्सा फिर से आपका हार्मोन लेवल अच्छा रहेगा। सो इफ देयर एनी वन हू इज सेइंग कि सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती है, भाई उसे कह दो कि दूर ही रहो उस बंदे से। ये ब्रो साइंस जो होता है ना, भाई ने भाई को बताया, इन चीज़ों से दूर रहो, देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो साइंस बिहाइंड इट। चौथा आता है लिवर। अल्कोहल से बहुत ज़्यादा लिवर खराब होता है। क्या आपने छोड़ दी बियर पीना? छोड़ दिया? विस्की छोड़ दी? नहीं छोड़ी ना। वे प्रोटीन, अगर आप एक अच्छा ब्रांड ऑथेंटिक प्रोडक्ट ले रहे हैं ना, वे प्रोटीन इतना प्योर फॉर्म होता है कि आपके लिवर को बहुत कम काम करना होता है उसे डाइजेस्ट करने के लिए। वाई? बिकॉज इट ऑलरेडी हैज़ अ हाई लेवल ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। कुछ तो प्री डाइजेस्टेड होते हैं जिनमें इतना ज़्यादा आइसोलेट होता है। लिवर का एक सिंपल सा काम होता है कि वो अपने एंजाइम सेक्रेट करेगा, वे प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगा। जितने भी स्टेरॉयड यूजर्स हैं ना, दे आर द वंस हु शुड बी कंसर्न अबाउट देयर लिवर, नॉट द पीपल टेकिंग प्रोटीन। तो अगर आपका ट्रेनर कह रहा है लिफ्ट 52 डीएस प्लस के साथ, उसे कहो तू लिफ्ट 52 मत ले, तू पहले कॉम्प्लान ले, तू बड़ा हो जाए, और ऐसे फालतू की बातें करना बंद करो। आई फील ये चार क्वेरी थी जो मेरे पास सबसे ज़्यादा आई थी ना, आपको क्लियर हो गई हूँ। लाला जी वाले ट्रेनर्स अपनी नॉलेज अपडेट कर लें वीडियो देख के। एंड वो लोग जो वे प्रोटीन लेते ही नहीं है, जिम जाते ही नहीं है और ये सारी बातें बनाते हैं, आई डोंट एक्सपेक्ट आपकी दोनों आंखें खुली होंगी, लेकिन एक आंख तो ज़रूर खुल गई होगी। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि ऐसे बेसलेस क्लेम्स या मिथ फैलाना बंद करें। वे प्रोटीन का कोई कनेक्शन ही नहीं है इन सारे मिथ से। वे प्रोटीन इज़ टू बी यूज एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर रेगुलर होल फूड का प्रोटीन। अगर आपकी डाइट में इतना ज़्यादा नॉनवेज नहीं है और एग्स नहीं है, तो आप वे प्रोटीन डेफिनेटली यूज़ करें, बिकॉज वेजिटेबल जो वेजिटेरियन सोर्स होती हैं, वेजिटेबल्स में इतना प्रोटीन होता ही नहीं है, क्वालिटी ऑफ प्रोटीन इज़ नॉट वेरी गुड। सो मसल टोनिंग करनी है आपने, डेफिनेटली यूज़ प्रोटीन। अपना टोटल प्रोटीन बैलेंस आउट करना है, यूज़ प्रोटीन। एज से कोई रिलेशन नहीं है, और किसी भी चीज़ से प्रोटीन का कोई रिलेशन नहीं है। अगर ये चार मिथ मैंने बताई हैं, इनके बारे में आप सोच रहे हैं, सो आई वुड रिक्वेस्ट कीप वॉचिंग, कीप गेनिंग नॉलेज, कीप स्प्रेडिंग दिस नॉलेज एंड हेल्प एवरीवन। इफ़ यू हैव मोर क्वेरीज, प्लीज़ सेंड योर मेल ऑन ask.nutrition7@gmail.com या यू कैन इवन व्हाट्सएप मी, मेरा नंबर लिखा आ रहा है। यू कैन विजिट माई स्टोर एनी टाइम यू वॉन्ट, 1 to 7:30 PM, ऑलवेज ओपन एक्सेप्ट फ्राइडेज। आई होप ये एपिसोड आपको पसंद आया। नेक्स्ट एपिसोड इज अबाउट प्रोटीन, उसकी डोजेज, यूजेज, साइड इफेक्ट्स, गुड इफेक्ट्स, रिजल्ट, रिव्यू। सो स्टे विद अस।